राजनांदगांव में पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है, जहां भाई ने ही अपने बड़े भाई की हत्या की घटना को अंजाम दिया था। विजयतला खेत में मिले अज्ञात शव के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। आए दिन मारपीट और शराब के नशे में परिजनों से वाद विवाद करने के कारण छोटे भाई ने ही अपने भाई की हत्या कर डाली। साक्ष्य छुपाने में परिजनों ने भी आरोपी की सहायता की थी। मामले में तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजनांदगांव एसपी राहुल देव शर्मा ने पुलिस कंट्रोल रूम में प्रेस वार्ता लेकर पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा किया। भूमका थाना के बीजो तला गांव में एक युवक की लाश बोरे में भरकर कुएं में बरामद हुई थी। प्रथम दृष्टिया मामला हत्या का लगने पर हत्या का अपराध पंजीबद्ध करके पता से अभी किया जा रहा था कि युवक कौन है। तो युवक की पहचान जो है बीजो तला के ही वेद प्रकाश में भरकर उम्र 26 वर्ष के रूप में हुई। जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो करीब 3 दिन से ये युवक गायब था। तो जब इसके परिवारजनों और दोस्तों से पूछताछ की गई तो इसका मृतक का आपस में छोटे भाई से, पिताजी से, माताजी से, बहन से झगड़ा होते रहता था। बल्कि मृतक जो है वेद प्रकाश अपने छोटे भाई बाल मुकुंद का एक बार सर पे भी चोट कर दिया था, जिसकी एफआईआर जो है वो भूमका थाने में हुई थी। घटना दिनांक 15 मई को भी परिवार वाले त्रस्त हो गए थे इससे। तो जब मृतक अपने घर पे सोया हुआ था तो प्लानिंग करके मौके पर बाल मुकुंद जो इसका छोटा भाई है उसने कुल्हाड़ी से मृतक के गले पर वार किया, जिससे मृतक मौके पर ही ढेर हो गया। मृतक के पिताजी मनहरण और बाल मुकुंद उसका छोटा भाई दोनों उसको बोरी में भर के इसकी लाश को कुएं में ले जाकर ठिकाने लगा दिए। और इसकी माता जो थी वो खून के छींटों को मिटाई घर पे। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों को वर्तमान में जेल भेजा गया है।